पब्लिक टीवी आपकी आवाज। तेईस मार्च यानी बलिदानों का वो दिन, इस दिन शहीदों को फांसी दी गई थी। ये बात आजादी से पहले की है, जब अंग्रेजी शासन था और लोग देश को आजाद कराने में लगे थे। सभी संगठनों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी, सभी लोग देश को आजाद कराने में लगे थे। इसी को लेकर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अंग्रेजी खजाने को लूटने का एक प्लान तैयार किया और उसको पूरा करने के लिए ककोरी स्टेशन पर घात लगाकर बैठ गए और घटना को अंजाम दे दिया। उसी बीच भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और उनको बंदी गृह में ले गए। अंग्रेजी अदालत ने उनको फांसी देने का आदेश दिया था। 23 मार्च को उनको फांसी दे दी गई थी। इसी संदेश को सुनकर पूरा भारत देश शोकाकुल हो गया और 23 मार्च को भारत देश बलिदान दिवस के रूप में मनाता आया। इसी कड़ी में शनिवार को ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन संस्था द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने शहीदों को याद किया और नमन किया और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया। आज 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस होता है। हमारा संगठन भी हर साल की तरह आज इनका सम्मानपूर्वक शहादत दिवस मना रहा है। इनके माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को और आस पड़ोस के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, इनके विचार जो थे और जो इनका संदेश था वो हम यहाँ पर फैलाना चाहते हैं, ताकि इनका संदेश और जो इनके विचार यहाँ फैलें और नई युवा पीढ़ी इनके बारे में जाने। इनके विचार थे, सभी जानते हैं कि यहाँ मजदूर, किसान और नौजवानों का शोषण ना हो, मजदूर और किसान की बात हो। आज की सरकारें इन लोगों को भूल गई हैं। हमारा मेन मकसद है कि इनके विचार समाज में जिंदा रहें और इनके विचार चलते रहें, ताकि किसान मजदूर का शोषण